सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने पहले 3 दिनों में बढ़िया कमाई की थी, मगर चौथे दिन मूवी ने इतिहास रच दिया। गदर 2 ने पहले मंडे को 39 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो बीते सालों में किसी भी फिल्म ने पहले वर्किंग डे पर नहीं कमाए। वीकेंड में 134.88 करोड़ रुपए कमाने के बाद फिल्म की 4 दिनों की कमाई 173.88 करोड़ रुपए हो चुके हैं। फिल्म की इस ह्यूज सक्सेस का श्रेय इसकी रिकॉल वैल्यू को भी जाता है। गदर के पहले पार्ट को लोगों ने खूब पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 के पहले मंडे की कमाई ऑल टाइम रिकॉर्ड रही है। किसी भी बड़ी फिल्म या किसी त्यौहार पर रिलीज हुई फिल्मों ने भी पहले मंडे को इतनी कमाई नहीं की जितनी गदर 2 ने कर डाली है। रिपोर्ट्स हैं कि कमाई का यह आंकड़ा 15 अगस्त को और भी ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त को गदर 2 55 करोड़ या उससे ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। इसकी दो वजह हैं। पहली तो 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे है और दूसरा गदर 2 में देशभक्ति और देश प्रेम को कूट कूट कर दिखाया गया है। वैसे गदर 2 के सामने अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 रिलीज हुई है, उसे भी जनता काफी पसंद कर रही है। गदर 2 की फर्स्ट मंडे की कमाई को आंकड़ों से समझें तो ये बीते दिनों रिलीज हुई कुछ बड़ी फिल्मों से बहुत ज्यादा है। गदर 2 39 करोड़ रुपए, पठान 26.50 करोड़ रुपए, किसी का भाई किसी की जान 10.17 करोड़ रुपए और आदि पुरुष 7.70 करोड़ रुपए, तू झूठी में मकार 6.05 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों के साथ सनी देओल की गदर 2 अब शाहरुख खान की पठान को टक्कर दे रही है। फिल्म के हिंदी कलेक्शन की बात करें तो पठान का नेट कलेक्शन 524 करोड़ रुपए था। कई ट्रेड पंडितों का कहना है कि 15 अगस्त के कलेक्शन के बाद गदर 2 200 करोड़ पार कर जाएगी। गदर 2 की कमाई धीमी होने का नाम नहीं ले रही है और पहला हफ्ता खत्म होते होते मूवी 300 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। गदर 2 फिल्म को कई लोग मास एंटरटेनिंग फिल्म कह रहे हैं, मगर सनी देओल को जनता का लगाया ये टैग पसंद नहीं आ रहा है। रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सनी से इस बारे में बात की गई तो वो बोले, मास या मासी फिल्म से आपका क्या मतलब है? पब्लिक तो पब्लिक है, हम सब पब्लिक हैं। आप मास बोलकर कुछ लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि आप बड़े हैं, आपको अकल नहीं है, समझ नहीं है हिंदुस्तान की, अपने मुल्क को समझिए। खैर, गदर 2 का रिव्यू हमने किया है, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।